अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राजीव जी, मेरा ये कहना है कि ये कांग्रेस की विडंबना है कि जिस तेलंगाना राज्य का निर्माण करने में कांग्रेस की महती भूमिका रही, आपको ध्यान ही होगा, याद ही होगा, सभी को याद होगा, दर्शकों को, उस राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है जब से राज्य का निर्माण हुआ है। तो आज जो है कांग्रेस जो है, आज जो राहुल गांधी ने और जो कांग्रेस की वहां की जो प्रदेश इकाई है उससे जो है वो शक्ति प्रदर्शन किया है, एक तरीके से बहुत भारी भीड़ वहां जमा हुई है, तो वो एक अच्छा संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए कि लोग वहां सुनने के लिए आए हैं कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक से ये तेलंगाना से भी भारत यात्रा गुजरी थी जिसका कि राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव भी वहां पे होगा ही। इसमें एक मुख्य बात जो राहुल गांधी ने कही कि भाई जो कांग्रेस ही चले गए हैं, छोड़ के पहले चले गए थे, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, ये एक बड़ा एक सकारात्मक उनकी तरफ से इनिशिएटिव है। और देखिए, पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि तेलंगाना में बहुत भारी संख्या में दूसरी पार्टियों से लोग कांग्रेस की तरफ आए हैं, उन्होंने कांग्रेस में कांग्रेस को ज्वाइन किया है। तो दिस शोज की देखिए, चुनावी मौसम में इसी बात से अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं दल बदल करके। तो उसमें ये जो वापस आ रहे हैं कांग्रेस के नेता पार्टी में, ये कांग्रेस के लिए बड़ा शुभ संकेत है। देखिए, तेलंगाना जो था पहले आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा था, मतलब बाद में आंध्र प्रदेश का दो हिस्से करके तेलंगाना राज्य बनाया, और आंध्र प्रदेश हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा। और कांग्रेस वो राज्य है कि जहां बीजेपी, ये वो राज्य है जो कि इमरजेंसी के बाद भी यहां कांग्रेस की सीटें मिली थी, यहाँ पे कांग्रेस को मतलब सारे ही साउथ से मिली थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में बहुत भारी भरकम सीटें मिली थी उनको। तो तीसरी बात, इसमें राहुल गांधी एक वारंगल डिक्लेरेशन का जिक्र किया, बेहतर होता कि राहुल गांधी उस वारंगल डिक्लेरेशन के जो मुख्य पॉइंट्स थे उनको दोहरा देते। मैं आपके दर्शकों की सुविधा के लिए या ज्ञान जानकारी के लिए दोहरा देती हूँ कि वारंगल डिक्लेरेशन में बहुत महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस ने कही थी। वारंगल में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पिछले साल, और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कहा था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मनरेगा मजदूरों को, जो कृषि से संबंधित रजिस्टर्ड मजदूर है मनरेगा, उनको 12,000 रुपए साल देने की बात कांग्रेस ने वहां वादा किया था। दूसरा, इंद्रम्मा रैयतु भरोसा, रैयतु वहां किसान को कहते हैं, तो उनके लिए कहा गया था कि न केवल किसानों को बल्कि जो बटाई पे काम करते हैं उनको, शायद क्या बोलते हैं, भूमिधर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उनके लिए भी 15,000 रुपया साल उनको डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा कैश। इससे पहले केसीआर की सरकार में राय तो बंधु जो स्कीम है उसमें 5,000 रुपया ट्रांसफर किया जाता है अभी तक, तो कांग्रेस ने उसको डायरेक्ट 15,000 की बात कही थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि हम आम, हल्दी, हर तरह की उपज के ऊपर हम MSP लेंगे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा थी, हल्दी बोर्ड की स्थापना करने की कांग्रेस ने वहां बात की थी, और डेफिनेटली अब कांग्रेस का जो उसमें जो भी घोषणा पत्र आएगा उसमें आएगी ये बातें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी की जो ये जो वहां उन्होंने एक तरीके का आज शुरुआत की है वहां के चुनावी बिगुल बजाने की, जिसको कहते हैं कि चुनाव प्रचार की, तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और जो भाजपा है, देखिए वो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना पूरा जोर लगा रखा है भाजपा ने। आपको ध्यान होगा, मैं पहले भी आपके शो में बहुत पहले मैंने कहा था कि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव वो चुनाव था जहां अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए गए थे, मतलब तब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे। तो ये इतना महत्व है उनके लिए तेलंगाना का। और अभी जो राजनीति, जो आपने केसीआर की राजनीति के बारे में बात की, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि केसीआर ने पाला बदल लिया, क्योंकि उनकी बेटी भी जो ये दिल्ली का जो शराब स्कैम है उसमें उनको भी कॉल किया था ईडी ने, लेकिन जब से केसीआर ने रंग बदला है, पाला बदला है, तो तब से कोई उनको दोबारा से कॉल आई नहीं है। और लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि अब जो है ना, जनता ने मन बना लिया है, लोगों ने देख लिया है अब कि ये चल क्या रहा है। अब जनता इस तरह की आया राम गया राम या इधर हो गया उधर हो गई, जो कि महाराष्ट्र में चल रहा है, इस तरह की पॉलिटिक्स को जनता अच्छे से सबक सिखाएगी। ये जो ऑपरेशन लोटस और ये इस तरह की चीजें चल रही हैं, उनको सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र का बात आपके अगले राउंड में महाराष्ट्र की बात करेंगे, वहां जारी है।
देखिए इसमें सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव संदेश ये है इस महाराष्ट्र के सारे प्रकरण में कि कांग्रेस जो तीसरे नंबर का विपक्षी दल था वहां पे, तो अब कांग्रेस जो है 45 सीट के साथ पहले नंबर का विपक्षी दल बन गया है। वहां शिवसेना में विभाजन हो गया, वहां एक हिस्सा सरकार के साथ है, बाकी के कुछ मिनिस्क्यूल नंबर है। ऐसे ही अभी शरद पवार के साथ हुआ है, जो एनसीपी के साथ हुआ है। इसमें दूसरी बात यह है जो महत्वपूर्ण है कि देखिए शिंदे जो है जो भाजपा के लिए, उनको अब यूज एंड थ्रो किया जाएगा। भाजपा ने उनको यूज करके देखा, गुवाहाटी मॉडल लाए वो लोग, लेकिन गुवाहाटी मॉडल पूरी तरह फेल हो गया। क्योंकि देखिए आज आप 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली एक साथ, एनसीपी के जो गुट आया है इससे एक साथ ले ली शपथ, और जो शिंदे के ग्रुप के जो नेता थे, जो 40 से ऊपर नेता एक साथ आए थे, वो तो इसी उम्मीद में आए थे कि हम पता नहीं कितने सारे लोग इनमें से मंत्री बनेंगे। तो कब से गुहार लगा रहे हैं, उनको नहीं तरसाया जा रहा है, नहीं मंत्री पद दिया जा रहा है। तो वहां इंतजाम हो गया है, अभी ये जो अजित पवार का गुट आया है इसकी वजह से इंतजाम कर लिया है उन्होंने, और अब दे विल किक आउट, ये शिंदे को किक आउट करेंगे। खबरें ऐसी भी है कि उनको सेंटर में मिनिस्टर बनाया जा रहा है शिंदे को। अगर शिंदे सेंटर में मिनिस्टर बन गए तो महाराष्ट्र की राजनीति खत्म, क्या रह गया शिंदे का फिर महाराष्ट्र में। इसी तरह प्रफुल्ल पटेल की भी खबर है कि उनको भी सेंटर में मिनिस्टर बनाया जाएगा। देखिए वैसे ये जो घटना अगर देखी जाए तो ये छोटी घटना नहीं है शरद पवार के लिए। शरद पवार देखिए एक बार धोखा खा सकते हैं अजित पवार ने जब अर्ली मॉर्निंग शपथ ली, लेकिन दोबारा फिर धोखा खा जाए ये बात मुझे जरा गले नहीं उतरती है। मेरा अपना पर्सनल व्यू ऐसा है कि ये अच्छा, और फिर आप कह रहे थे कि पिछली बार तो गुगली फेंकी थी, तो अब वो ऐसा अब दूसरी बार क्या हुआ है, ये गुगली फेंकी है या क्या किया है? अगर शरद पवार ने गुगली फेंकी है तो बड़ी अच्छी बात है इस देश के लिए भी, इस देश के भविष्य में भी ये अच्छा पैगाम आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि शरद पवार ने जो अभी देखिए शरद पवार खुद उम्र के उतार पे हैं और बहुत लंबाल से उम्र ऊपर उनके, बीमार भी हैं वो, और सुप्रिया सुले जो है वो एज ए लीडर वो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाई है पार्टी के ऊपर, क्योंकि अपने क्योंकि पिता की वो वारिस है इसलिए ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि जो आप जो अजित पवार के साथ गए हैं उसमें बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता जो राइट हैंड है, राइट एंड लेफ्ट हैंड जिसको कहेंगे शरद पवार के, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अकल्पनीय जिनका जाना कि वो उनके साथ चले गए हैं। तो इसके बाद शरद पवार जो बात कर रहे हैं कि हम दोबारा रिवाइव कर लेंगे पार्टी को, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बेटर होगा कि शरद पवार या खुद ना जाए, अपनी बेटी के साथ एनसीपी का विलय कांग्रेस में कर दे, भविष्य भी बचा रहेगा। और क्योंकि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है तो भैया जो भाग रहा है उसके अगाड़ी भागना शुरू कर दो, तो कहते भागते के अगाड़ी ठहरते के पिछाड़ी, तो वो ज्यादा रहेगा। और मुझे लगता है निकट भविष्य में, देखिए इमीडिएट तो नहीं होगा ये सब घटनाक्रम, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस के दिनमान अच्छे चल रहे हैं आजकल, तो पता चला कि जो शरद पवार गए थे छोड़ के पार्टी वो ही वापस आ गए। हो सकता है ये कॉल तेलंगाना के जरिए महाराष्ट्र में भी भेजी हो राहुल गांधी ने कि वापस आ जाए। ऐसा तो है नहीं कि उनकी कॉल तेलंगाना स्पेसिफिक तो है नहीं राहुल गांधी की कि खाली तेलंगाना के लोग आ जाए वापस जो छोड़ के गए हैं पार्टी, भाई ये तो कॉल तो सबके लिए है, तो दूर भी नहीं है तेलंगाना से, महाराष्ट्र की सीमाएं भी लगती है कुछ इलाके में, तो वहां से एक कॉल हो सकता है शरद पवार के लिए भी हो, और अगर ये है तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि इससे ये एक जो सुप्रीम कोर्ट की इसमें मैं मानूंगी कि इसमें उन्होंने जो ढुलमुल फैसला दिया था ये विधायकों के बारे में शिवसेना के, ये उसके नतीजे में जो ये बढ़ी है हिम्मत इसकी अजित पवार ग्रुप की, या जैसे भी उसका जो भी जिसने भी ये किया है, तो वो उसकी वजह से एक नई किस्म की राजनीति शुरू हो गई है कि उठो वहां चल दो बोरिया बिस्तर उठा के, कोर्ट में कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, स्पीकर आपका है और कोर्ट कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मर्जी जहां देखा तवा परात वहीं बिताई सारी रात करके, और फिर आ जाओ वहां से खा के दावत खा के फिर वापस आ जाओ जब आपका पेट भर जाए। तो ये गलत राजनीति है, और जैसे कर्नाटक की जनता ने सिखाया है सबक, ऐसे महाराष्ट्र की जनता भी सिखाएगी इनको सबक। ये जो अपने जो गुट गया है इसमें, चाहे शिंदे गुट हो और चाहे ये अजित पवार का गुट हो,
या जो भी है इसमें, मैं तो मानती हूँ वैसे शरद पवार का ही मास्टरमाइंड है इसमें, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी के दबाव में या किसी किसी के कहने से ये ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, ये मेरी ओपिनियन है। जी राजीव जी, धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात आप आखिरी लाइन जो कह रही हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं।